अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का पहला दो रोजा कौमी कन्वेंशन का आज मुंबई में आगाज हुआ। इस दौरान पार्टी सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई मसाइल पर बात की। यह इजलास 2024 की इंतखाबी हिकमत अमली के हवाले से मुनक्किद किया गया है। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 के इंतखाबात हरियाणा में जुनेद और नासिर के कत्ल जैसे मामलात पर अपना मौकफ रखा। उन्होंने बीजेपी पर भी तंज किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आइंदा इंतखाबात के लिए अपने मंसूबे के बारे में बताते हुए कहा कि वो दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद में उम्मीदवार खड़े करेंगे। ताहम उन्होंने नहीं कहा कि आइंदा इंतखाबात में वो किसके साथ जाएंगे, और उन्होंने कहा कि इस पर तबसरा करना कबल अस वक्त होगा। देखिए, एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जब आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है, और इंशाल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। दूसरी बात ये कि और कितने लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे, इसका नंबर इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे। किससे अलायंस होगा नहीं होगा, ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतना जल्दी डिटेल बताना सही नहीं होगा, मगर ये फैक्ट है जो आपके सामने में रख रहा हूं। क्या फर्क पड़ेगा? आपका दो सवाल हो, तीन हो गए। इसी सवाल में सर, उनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं उनको मुबारकबाद, जहां कहीं भी गए उनको मुबारकबाद। कहा औरंगाबाद से 21 साल से शिवसेना का एमपी था ना, आप जर्नलिस्ट रह के सब बात नहीं करना मेरे भाई। सुनो, अब मैं आप रात के 3 बजे मेरे को उठा के सवाल करेंगे तो मैं ऑटो प्ले पे आ जाता हूं। तो सुनो, आप देखो देखो कांग्रेस का एक बहस में अपन बहस नहीं करेंगे, ठीक? आप वो फेमस एंकर मत बन जाओ 9 बजे की तरह। तो आप ये सुनिए, राहुल गांधी कैसा हारे? मेरी वजह से हारे। मेरे आप सुनो मेरी वजह से हारे राहुल गांधी। हार गए ना, मान लिए ना। अरे राहुल गांधी इलेक्शन में हारे ना, जिंदगी में नहीं हारे वो तो मेरे को नहीं मालूम, वो आप बोलेंगे। वो नहीं, मैं नहीं बोल सकता। तो हारे मार, वो हार गए। अब वो 186 लोकसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी लड़ी, सिर्फ 186, कोई नहीं था, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था, तब भी खाली 16 सीट जीती 2019 में। मैं जिम्मेदार हूं, कब तक आप ये बात करेंगे? हम लड़ेंगे, और जो कोई भी वंचित समाज पे जुल्म करेगा, लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे भी उनको। ये अब सुन लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही नहीं है। ये जो एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, उनको लगता है कि ये क्यों आ रहे हैं लोग। अरे भाई, वो राजा रजवाड़े खत्म हो चुके हैं, ये जमहूरियत है, लोकशाही है, आप मेरे को रोक नहीं सकते। हम लड़ेंगे, हमारा संविधान इस बात का दिया है। जहां कहीं भी हम लड़ रहे, यूपी की बात करते, कितने सीट कांग्रेस लड़ी यूपी में बोलो भाई, 400। बीएसपी लड़ी 400। ये सवाल उनसे नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता भाई? क्योंकि उन मुसलमान नहीं है, ये प्रॉब्लम है। एक बात बताइए, हाँ मैं सब जानता हूं, एक बात बताइए, अगर वो भाषा, वो वर्ड्स अगर मजलिस का एक छोटा मेंबर दे देता, तो आप लोग तो अब तक उसकी एक नहीं 25 शादी कर दी होते टीवी चैनल के ऊपर, नहीं करा आपने। और बीजेपी भी बड़ी उसको उर्दू में एक वर्ड है, माने खैज खामोशी बीजेपी की है। ये समझ में नहीं आ रहा हूं उनको क्या चल रहा है वहां पर। और तीसरा, कल आए थे ना छोटा रिचार्ज मुंबई में, उनसे पूछ लेते आप क्या हो रहा है, उनकी सरकार है, मेरी सरकार तो नहीं है ना, उनको भी पूछ लेते। नहीं नहीं बिल्कुल है, मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल है, दिख रहा है ना हमारे को थोड़ा बहुत, हम उतने उनसे छोटा रिचार्ज की तरह उतना हमको दिमाग नहीं है, मगर थोड़ा तो दिख रहा है हमको क्या हो रहा है। इतना तो हम देखिए, MIM पार्टी तो इतना तो पॉलिटिकल सेंस है हमारे को, हम ये बोल सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है। हम हवाओं में सूंघकर
मिट्टी की खुशबू, मिट्टी आने के बाद हम नहीं बोलते कि बारिश होने वाली है, हम ये जरूर बोलेंगे बारिश होने वाली है। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्ला टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।